दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सुखद परिस्थिति में खुश और दुखद समय में शांत कैसे रहा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा सुखी जीवन का रहस्य क्या है। एक बार की बात है, एक समय एक गुरुकुल में बड़े ही प्रतिभाशाली गुरुजी रहा करते थे, जो ईश्वर के बड़े भक्त थे और उनके दो शिष्य भी थे जो उनके साथ ही रहते थे। गुरुजी का सारा काम करते थे और गुरुकुल की देखरेख भी करते थे। अपने गुरु की तरह ही दोनों भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ति किया करते थे। लेकिन उन दोनों में एक बात अलग थी, वो यह थी कि उनमें से एक सकारात्मक सोच वाला था जो हमेशा खुश रहता था और दूसरा नकारात्मक सोच वाला जो हमेशा दुखी ही रहता था। उन दोनों का गुरुकुल में काम एक समान ही था, दोनों को गुरुकुल में एक समान ही दर्जा मिलता था। लेकिन फिर भी उनमें से एक हमेशा खुश रहता था और दूसरा हमेशा दुखी रहता था। खुश रहने वाला शिष्य हमेशा किसी ना किसी बात पर खुश रहने का कारण ढूंढ ही लेता था, लेकिन वही दूसरा शिष्य हर बात में दुखी रहता था और हर चीज में कमियां निकालता रहता था। उसके साथ जितनी भी अच्छी बात हो जाए वो उसमें दुखी ही रहता था। एक दिन अचानक गुरुजी की मौत हो जाती है और वो स्वर्ग सिधार गए। अपने गुरु के जाने के बाद दोनों शिष्यों ने ही गुरुकुल को संभाला और उसकी देखरेख करने लगे। पर उन दोनों की भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। उन दोनों को उनके अच्छे कर्मों के कारण अपने गुरु के साथ स्वर्ग में रहने का मौका मिला और वो दोनों स्वर्ग में रहने लगे। लेकिन यहाँ भी खुश रहने वाला शिष्य खुश रहता था और दुखी रहने वाला शिष्य हमेशा दुखी ही रहता था। फिर एक दिन दुखी रहने वाले शिष्य ने अपने गुरु को पूछा कि मुझे किसी भी चीज और काम में खुशी नहीं मिल रही। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सारी खुशियां और शांति मिलती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तब गुरुजी मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि सुख और दुख मन की स्थिति है, उसका किसी भी वस्तु या जगह से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें नरक में भी खुशी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग में भी खुशी नहीं मिल सकती। सुख और दुख दोनों को ही मनुष्य के देखने के नजरिए पर निर्भर करते हैं। शिष्य को अपने गुरुजी की बात समझ में आ गई। अब वो किसी भी बात में कमी नहीं निकलता था और अब वह खुशी खुशी स्वर्ग में रहने लगा। दोस्तों, यही सुखी जीवन का रहस्य है कि नकारात्मक सोच वाले इंसान को हर चीज में बुराई ही दिखती है और वो कभी भी किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। लेकिन सकारात्मक सोच वाला इंसान बुरी से बुरी चीज में भी खुश होने का कारण ढूंढ ही लेता है। इसलिए हमें अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए और हर चीज में बुराई देखने की जगह उसमें कुछ अच्छा देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें आई एम हैप्पी। और एक खास बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।